तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस चैनल में। तो फ्रेंड, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक जो है लेबनिट्ज़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप इस इक्वेशन को आपने पहले भी देखा होगा, क्लास 12 में भी इस इक्वेशन को डिस्क्राइब कर दिया जाता है। तो मैंने सोचा एक बार इन चीज़ों को बता दिया जाए ताकि वो कॉन्सेप्ट आपका दोबारा से क्या हो, रिकॉल हो जाए। तो वो फंक्शन जो दिया रहेगा डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशन, वो आपका dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q के टर्म में रहेगा। और वहाँ पे p और q आपका क्या होगा, फंक्शन होगा किसका, x एंड y का, ओके। और उसके बाद हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना होगा, जो कि e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx होगा। और सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होगा आपका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है e का पावर माइनस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई रूट एक्स डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल टू वन। सिंपल सा जो इक्वेशन दिया हुआ है, हम इसे एज इट इज़ लिख देंगे और ये इक्वेशन आपका हो जाएगा। और इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स की अगर हम बात करें, तो ये वाला टर्म क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इसका हो जाएगा, तो ये आपका डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा और ये वाला टर्म आपका एज इट इज़ रहेगा। और इसके बावजूद अगर हम इससे इसको सेपरेशन करने की कोशिश करते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स तो एज इट इज़ रहेगा, ये आपका माइनस में, तो आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और e का पावर माइनस टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। और यहाँ से अगर हम p के वैल्यू की बात करें, तो p का आपका क्या होगा, वन बाई रूट टू हो जाएगा, जो कि x का पावर माइनस टू हो जाएगा। और q का वैल्यू आपका एज इट इज़ दिया हुआ है। इंटीग्रेटिंग आप लोग फाइंड करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपका आ जाएगा e का पावर टू इंटू एक्स का पावर वन बाई टू, तो यहाँ से x का पावर रूट टू हो जाएगा e का पावर x। तो आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा, तो आपका ये फाइनली आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये दोनों क्वेश्चन आप दिया है, आप इसको प्रैक्टिस के तौर पर लिख सकते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप इन सारे क्वेश्चन को। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, कह रहा है कि सॉल्व वन प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स इंटू डी वाई। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे, डी एक्स बाई डी वाई या फिर डी वाई बाई डी एक्स के टर्म में इसे लिखेंगे। तो डी एक्स बाई डी वाई वो हो जाएगा आपका, तो आपका टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई का होल स्क्वायर। और इसे अगर हम डी एक्स बाई डी वाई के टर्म में लिखने की कोशिश करते हैं, तो ये आपका माइनस में, तो इधर प्लस में आ जाएगा, ये आपका टेन इनवर्स वाई डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से अगर हम इसे कंपेयर करते हैं तो इक्वेशन के थ्रू, तो आपका पी और क्यू का वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, तो पी का वैल्यू आपका ये हो जाएगा। और इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड करेंगे। तो आपका ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ वन डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो क्योंकि हम जानते हैं कि इसका ये किसका होता है, आपका टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे एक्स वेरिएबल नहीं है बल्कि वाई है। तो आपका ई का पावर टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। और सोल्यूशन आपका क्या होगा, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी वाई प्लस सी। तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा आप इसको पुट कीजिएगा वैल्यू को, और यहाँ से ये वाला टर्म तो एज इट इज़ रहेगा, और इसको आप लोग आई लेट कर सकते हैं। और फाइनली आप अलग से अगर आई के वैल्यू को फाइंड करके इक्वेशन वन में क्या है वो पुट कर सकते हैं। तो आई के वैल्यू को हम यहाँ पे फाइंड करते हैं, तो आई के वैल्यू आपका इतना आ जाएगा। और यहाँ से टी के वैल्यू को आप पुट कर देंगे, तो आई का वैल्यू इतना आ जाएगा। और सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, तो आप इस इक्वेशन को जो आपका आई का वैल्यू आया था, उस इक्वेशन को इक्वेशन वन में आप पुट कर सकते हैं, तो ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें, तो वो है आपका बर्नौलीज़ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उस वो किस तरह से निकलता है, तो वो आपका होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू इंटू वाई का पावर एन। और यहाँ से हमें क्या करना होता है, वाई का पावर एन को रिमूव करना होता है। तो वाई का पावर एन मतलब दोनों तरफ क्या करना होगा, हमें डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे वाई का पावर माइनस एन माइनस एन हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई का पावर माइनस एन प्लस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये इक्वेशन वन आपका हो जाएगा। और यहाँ से उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो टर्म दिया हुआ है यानी पी के साथ जो टर्म होता है, उसे हम क्या करते हैं, जेड लेट कर लेते हैं। और जेड लेट करने के बाद इसे क्या करते हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये आपका ये टर्म आ जाएगा और ये वाला ये टर्म आ जाएगा, ओके। और यहाँ से हम क्या करेंगे, इसे चेंज कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन वन में। तो आपका जो फाइनली जो कॉन्सेप्ट बनेगा, जो आपका जनरल फार्मूला बनेगा, वो आपका ये जनरल फार्मूला हो जाएगा। और अगर बात करें हम उसके एग्जांपल टाइप क्वेश्चन के, तो ये आपका एग्जांपल टाइप क्वेश्चन हो गया। इसको आप लोग क्योंकि हमको क्या करना होगा, रूट वाई रिमूव करना होगा, तो इसको डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करने के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं और सिंपल सा इक्वेशन को बना सकते हैं। तो ये आपका इक्वेशन निकल के आएगा, सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं आपको नाइन्थ में ही समझा दिया जाता है, तो इस पर ज़्यादा टाइम ना लेके हम लोग कॉन्सेप्ट पे आगे बढ़ते हैं। और ये वाला टर्म आपका क्या होगा, जेड लेट होगा, तो इसको जेड लेट कीजिएगा आप लोग, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। और यहाँ से वाई का पावर माइनस वन बाई टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू इंटू डी जेड बाई डी जेड डी एक्स हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन वन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूट आप जैसे ही करेंगे, तो टू डी जेड बाई डी एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स स्क्वायर जेड इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और यहाँ से वैल्यू को आप पुट कर सकते हैं, पी के वैल्यू को आप फाइंड कीजिएगा एंड क्यू के वैल्यू को। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको फाइंड करना होगा, तो आपको ये आप सिंपल सा इंटीग्रेट नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पे कुछ मानना पड़ेगा, कुछ लेट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे हम वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करते हैं, टी लेट करते हैं और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो एक्स डी एस का वैल्यू माइनस डी टी बाई टू आ जाएगा, ओके।
और यहाँ से जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वैल्यू आएगा वो इतना आ जाएगा, और इसी आपका ई से लॉग आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का पावर माइनस 1/4। और यहाँ से सॉल्यूशन आप सिंपली फाइंड कर सकते हैं, और यहाँ से आप सिंपली 1/2 आपका कॉमन हो जाएगा, और सिंपल सा आप इस टर्म को फिर से आप टी मान सकते हैं। टी मानने के बाद आप इसे चेंज कीजिएगा तो यहाँ पे आपका वैल्यू ये सब्स्टिट्यूट होके आएगा, ओके। और यहाँ से लास्ट में आपको क्या करना होता है, जेड के वैल्यू को पुट कर देना होता है, ओके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।